देखिए, जो पार्टीज ओबीसीज के लिए जितना काम हुआ है वो शायद ही किसी और के लिए हुआ है, और जो रिजर्वेशन है वो आप सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मामला है और ये मुद्दे को भटकाने वाली बात है, राजनीतिकरण करने की बात है। जो पार्टीज हैं, जितने पुरुषों को वो लोग ओबीसी में टिकट देते हैं वो सब महिलाओं को दे दे, बात खत्म। आपको रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? आरजेडी है सिवाय ओबीसी के किसी और को टिकट देती है क्या? अब जेडी है सिवाय ओबीसी के, जिसने जिसको यादव को देती है ना, उसमें कानून के हिसाब से 33% महिलाओं को दे दीजिए, और गैर कानूनी आप सारी 100% महिलाओं को दे दीजिए। मैम, अब एक नया आरोप लगाना शुरू किया है कि डी इलेक्शन के बहाने इस बिल को टालने की कोशिश की। बिल्कुल गलत है। कल गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छे से चीजें एक्सप्लेन की है। ये सब मुद्दे लेकर महिलाओं को कभी भी जो है रिजर्वेशन नहीं मिलती। आज की तारीख में टेस्ट है राज्यसभा में, वो रिजर्वेशन महिलाओं को प्राप्त हो।